29 नंबर देखिए दिया है, x बट्टा में 4 प्लस का y बट्टा में 5 प्लस 1 बराबर में 23। आप इसे ऐसे लिख दो ना, x बट्टा में 4 और अच्छा यहाँ इसको एलसीएम ले लेते हैं तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं इसका, इन दोनों का, तो 20 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5x और प्लस का 4y, ये एक को ले जाकर उधर घटा देते हो जाएगा यहाँ पर कितना 22 हो जाएगा, ठीक है। ये जाएगा गुना में, तो हो जाएगा 5x प्लस का 4y बराबर में 440, ये समीकरण है। अब देखिए दूसरे वाले को देखते हैं, x बट्टा 5 प्लस का y बट्टा 4 बराबर में 23। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 20, 4x प्लस का 5y बराबर में 23, यानी आ जाएगा यहाँ से कितना 4x प्लस का 5y बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 460, ये समीकरण दो। अब इन दोनों समीकरणों से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ देखिए हम लोग एक काम करते हैं, समीकरण एक में गुना कर देते हैं 5 से और समीकरण दो में गुना कर देते हैं हम लोग 4 से। तो देखिए अब इससे गुना करने से क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिखते हैं अब यहाँ पर समीकरण एक तथा समीकरण दो से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 25x प्लस का 20y और बराबर में 440 में गुना कर देंगे 5 से ना जी, तो आ जाएगा आपका 2200। इसमें 4 से गुना करने वाले हैं तो 16x प्लस का 20y बराबर में 460 में गुना कर देंगे कितना से, 4 से, तो आपका आ जाएगा 1840। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9x और इधर क्या हो जाएगा, 1840 को घटा देना है 2200 में से, तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। इसको भाग में भेजेंगे तो 40 आ जाएगा, तो x का मान 40 आ गया। x का मान समीकरण एक या दो में रख देते हैं, लिखते हैं x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर क्या हो जाएगा, 4x की जगह पे है आपका 40 और यहाँ पर देखिए प्लस 5y बराबर में 460, यहाँ पे आ जाएगा 160 प्लस का 5y बराबर में 460। ये जाके उधर घटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5y बराबर में 300, ये जाएगा भाग में तो y का मान 60 आ जाएगा। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं x का मान 40 और यहाँ y का मान हो गया यहाँ पर 60। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन